आक्रोश होना चाहिए कि जन आशीर्वाद होना चाहिए। आप देखो 4 लाख करोड़ का कर्ज है प्रदेश में, 4 लाख करोड़ ये ले, आप जो यहाँ खड़े हैं सब पे 53,000 का कर्ज, जो आप यहाँ पचोर की धरती पे परिवार के लोग घरों में हैं सब पे 53,000 का कर्ज। शिवराज जी ने ऐसा प्रदेश बनाया कि एक इंसान दूसरे इंसान पर पिशाब करता है, एक आदिवासी पर दूसरा एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पिशाब करता है, क्या इसके लिए जन आक्रोश होना चाहिए कि जन आशीर्वाद? साथियों, हम विपक्ष के हैं, देशभक्त हैं, हमने 20 साल विपक्ष में रहकर प्रदेश की सेवा करने की कोशिश की, राजनीति में जो जीता वो सिकंदर, 3 बार मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान, चुन के बने प्रदेश ने, जनता ने उनके विधायक बनाया, उनको मुख्यमंत्री बनाया, वो सर्वधारी था। इस बार शिवराज सिंह चौहान लूट की सरकार के मुख्यमंत्री बने, चुन के नहीं बने, लूट की सरकार के मुख्यमंत्री बने। साथियों, एक प्रदेश में विधायक 50-50 करोड़ में बिकते हैं, इसके लिए जन आक्रोश होना चाहिए कि जन आशीर्वाद? आपने कभी सुना, एक मिनट थोड़ी जगह दो यार, थोड़े पीछे हो जा, कि 1 लाख में कितनी 500 की कितनी गड्डी होती है? दो। तो 1 करोड़ में कितनी होती है? 2 करोड़ में कितनी होती है? 5 करोड़ में कितनी होती है? 10 करोड़ में कितनी होती है? 20 करोड़ में कितनी होती है? 40 करोड़ में कितनी होती है? ऐसे 50 करोड़ में 500 की कितनी गड्डियां होती है? 10,000। एक पूरा कमरा भरा जाए फिर भी 3-4 टोपले बाहर रखने पड़े। इतने में विधायक खरीदे और बेचे गए, क्या ऐसा प्रदेश हमें बनाना था? अब इसके लिए जन आक्रोश होना चाहिए कि जन आशीर्वाद? अब देखो, हमारे यहाँ 8 करोड़ जनसंख्या है, यानी 4 करोड़ बहने। शिवराज जी कहते हैं मैं 1 करोड़ बहनों को लाडली बहना का 1,000 रुपया दूंगा, तो फिर 3 करोड़ बहनों से क्या दुश्मनी है आपकी? 4 करोड़ को क्यों नहीं देना चाहते हो? और कब दोगे? जब जाती हुई सरकार है, जब जाने चला चली की बेला है, 18 साल में बहनों की याद आई। मैं आज देख रहा था उनका एक वीडियो शिवराज जी का, वो कहने लगे बहनों मैं मुख्यमंत्री बना, मेरा जब सार्थक होगा बनना, जब मेरी बहनों के लिए मैं कुछ कर गुजरूं, तो बहनों के लिए 10 तारीख को 1,000 रुपया आपके खाते में आएगा, और दूसरे ही दिन 3,000 का बिल घर पे आएगा। फिर बहनों, राखी सुखी नहीं बनने देगा तुम्हारा भैया, 250 रुपए, 250 रुपए, 20 करोड़ का पंडाल लगाया और 250 रुपए बहनों के खाते में मिठाई के भेजे। पचोर में ऐसी कोई दुकान है जिसमें 1 किलो मिठाई 250 रुपए की आती है? शक्कर की मिठाई आती होगी, लड्डू शक्कर की, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? तो हमारा मुख्यमंत्री, जब मैं नया नया विधायक बना तो शिवराज जी एक किसान का बेटा मुख्यमंत्री था, तो मैं देखता था यार एक किसान का बेटा मुख्यमंत्री बनता है तो बातें कैसी थी। मैं किसानों की आज दुगनी करूंगा, किसान मेरा भगवान है, किसान का मैं पुत्र हूँ, किसान के लिए मैं कुछ कर गुजरूं तब मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक है। मुझे भी अच्छा लगता था कि यार दुबला पतला एक सरे शरीर का आदमी किसानों के लिए कुछ करना चाहता है, आइडियल थे शिवराज जी मेरे। पर धीरे 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 जब मैंने उनसे पूछा 10 साल बाद कि मुख्यमंत्री जी अब किसानों की आय दुगनी हुई कि तिगनी हुई, कितनी हुई बताओ, तो कहने लगे हमने ऐसी कोई बात कभी दुगनी की और तिगनी की लिखित में मौखिक नहीं, 10 बार पूछा, 10 बार एक जवाब। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ शिवराज जी से, यही बात उनने नहीं कही, शेरपुर में 5 साल पहले 2018 में इसी समय प्रधानमंत्री से भी किलवाई, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जब गेहूं के दाम थे 1920 रुपया, आज 2140 रुपए है, 200 रुपए बढ़ने को शिवराज जी डबल इनकम कहते हैं, मतलब टोटल आंखों में धूल झोंकने की बात सही है कि गलत? मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, ये सब भावनाएं क्या है,
इसलिए कि मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री के पास जो था वो सब दे दिया। अब रोटी पलटने का टाइम आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता जितने खड़े हैं ये भी बेचारे परेशान हैं, ये भी बोलेंगे नहीं, कहोगे कुछ भी, पर आप भी परेशान हो। एक आप परेशान कैसे हो मैं बताता हूँ, थोड़ा सुनो 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 सुनो, आप परेशान कैसे हो भाइयों, आप परेशान कैसे, सुनो। जब मैं ये कहता हूँ कि इस देश में हम लोग सब एक नागरिक है, कोई विपक्ष में काम करता है कोई पक्ष में करता है, पर हम देश के नागरिक है, सब परिवार के हैं, देशभक्त हैं, भाई भाई अलग नहीं हो सकते। तो जब मैं आपको भी भाई कहता हूँ तो हमारी बात सुनने का आपको सही तरीके से संदर्भ भी संयम भी रहना चाहिए। हम ये कहना निवेदन करना चाहते हैं, अच्छा सब बता, उधर मत देखो इधर देखो, कि भारतीय जनता पार्टी समय का रूप बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, सुनामी चल रही है। अच्छा एक और बात, शिवराज जी कहते हैं मुझे जब आशीर्वाद दो, जब अमित शाह जी से पूछा जबलपुर में कि आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्योंकि हम समय पे बताएंगे। जेपी नड्डा जी से पूछा तो ये नरेंद्र मोदी हमारा चेहरा होंगे। तो 20 साल के मुख्यमंत्री को जब बीजेपी आशीर्वाद नहीं देना चाहती तो जनता को देना चाहिए क्या? अच्छा दूसरी बात, सुनामी आ रही है कांग्रेस की, बड़े बड़े तीन तीन केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतारेंगे, फिर 9-7 सांसदों को उतारेंगे, एक महासचिव को उतारेंगे, ये सब संकेत क्या है? तूफान, तूफान को रोकने की कोशिश है, क्या है? ऐतिहासिक सुनामी है, बदलाव भयंकर है, 150 सीट से ऊपर कांग्रेस की सरकार बनेगी। और मैं पचोर और सारंगपुर के परिवार वालों से एक अनुरोध करना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी प्रेम प्यार मोहब्बत और अहिंसात्मक रवैये से अपनी बात कहने वाली पार्टी, हमारी पार्टी की नीड क्या है? हमारी पार्टी में भगवान राम ने जो देश और दुनिया को संदेश दिया प्रेम का, प्यार का, त्याग का, भगवान कृष्ण ने न्याय का संदेश दिया, हमारी महावीर ने अहिंसा का संदेश दिया, गुरु नानक देव जी ने मानवता का संदेश दिया, यही कांग्रेस पार्टी का मूल सिद्धांत है। हम कट्टरता ला ही नहीं सकते, हम प्रेम की बात करेंगे, प्यार की करेंगे। हमारे महात्मा गांधी ने कहा है एक गाल में कोई मारे तो दूसरा आगे कर दो, क्या संकेत है? ये संकेत है कि सब हमारे भाई हैं, नफरत और घृणा से कुछ नहीं हो सकता है, दुनिया को जीतना है और विश्व में नंबर बनाना है तो प्रेम से ही आया जा सकता है, प्यार से आया जा सकता है। तो आप सबसे अनुरोध है, प्रेम से ये चुनाव जीतोगे कि नहीं जीतोगे? प्यार से जीतोगे कि नहीं जीतोगे? कोठार साहब से ये सब परेशान है, चिंता मत करना, मैं एक तुम लोगों को पचोर की जनता को एक निवेदन करना चाहता हूँ। ये कोठार साहब कहाँ बैठते हैं मुझे आज तक पता नहीं चला, मैं सब तेज तर्रार आदमी हूँ, विधानसभा में एक बार भी ये आदमी खड़ा ही नहीं हुआ यार, पचोर के लिए एक बार भी खड़ा नहीं हुआ, ये सच है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। 3,000 रुपया क्विंटल के किसानों के गेहूं की मैंने मांग की थी, वो वीडियो देखा तुम लोगों ने? भैया आपने देखा कि नहीं देखा? ये प्रीवत जी मेरे पीछे ही बैठते हैं, जब मैं 3,000 रुपए की मांग कर रहा था और कह रहा था पार्टी छोड़ो, सब मिलके किसान की मदद करते हैं, कोई गलत कर रहा था? सही कर रहा था कि नहीं सही कर रहा था? सबसे पहले शिवराज जी ने कहा नहीं होगा, मैंने कहा किसान पुत्र कहता है नहीं होगा, ये कैसे होगा? तो मैं दूसरी दिन से मैंने बात पकड़ ली और रोज 3,000 की मांग, मेरे मुख्यमंत्री है, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री है, हमारे मुख्यमंत्री है, हमारा अधिकार है हमारे मुख्यमंत्री से अपने अधिकारों की बात करना, हम कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, हर बार कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक आचार संहिता नहीं लगेगी। उसके बाद हम क्या करेंगे वो भी बताएंगे। 3,000 खेती वाला हो तो ध्यान रखो, जो कांग्रेस बीजेपी का विषय ही नहीं है यार, जब खेती की और किसानी की बात आए तो देशभक्ति की बात आनी चाहिए। चुनाव जीतना और हारना चलता रहेगा, कौन जीता कौन हारा ये देश के ही लोग हैं जो सत्ता में बैठे हैं वो भी और जो विपक्ष में वो भी, पर हम सबका उद्देश्य सिर्फ एक है, देश को विश्व गुरु बनाना, सबसे ऊपर ले जाना, दुनिया में नंबर 1 मेरा देश बने, इस भावना को हमको जगाना,
और आप सब भी इसका संकल्प लो हाथ ऊंचा करके कि देश को विश्व गुरु बनाना कि नहीं बनाना। तो आप मेरे आगे की बात श्रीमद जी करेंगे। भारत माता की। हमारे भाई जी को पटवारी जी ने जिस तरीके से आपके बीच में जिस तरीके से ये विधानसभा में अपनी बात रखते हैं बड़ी जोरदार तरीके से, और उसी जोरदार तरीके से आज इनने पचोर की विधानसभा में अपनी बात रखी। मेरा तो ये आपसे अनुरोध है कि ये बात सही है कि क्या खेती की आमदनी जो है वो डबल हुई है कि खेती की लागत डबल हुई है, ये किसान जानता है। और आज डबल लागत चुकाकर चाहे खाद हो, चाहे बीज हो, कोई चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे तेल हो, चाहे शक्कर हो, कोई भी चीज का दाम अगर कंट्रोल क्या सरकार ने किया है? क्या सरकार ने रोजगार बेरोजगारों को दिया है? अभी अभी एक योजना चली है, बोर्ड लगे हैं, दो पंख पीछे लगते हैं और उसका नाम है सीखो कमाओ और खाओ। ये मैं आगे जोड़ रहा हूं, सीखो और कमाओ। तो सीखो और कमाओ वाली जो बात है वो तो हमें समझ में आई, पर अगर सीखेंगे कमाएंगे तो उसकी व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। अब एक प्रधानमंत्री जन कल्याण मित्र बने, बहुत अच्छा किया आपने, गांव में बनाए, गांव के लड़कों को आपने सेलेक्ट किया, पर क्या उसमें आपने फेयर प्रोसेस किया? क्या आपने उसमें इम्तिहान लिखाया? क्या आपने उसमें एक तरीके से हर आदमी को, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश का हर नागरिक मेरा, भाई साहब मेरा तो ये निवेदन है कि अगर आपको मौका सही देना है तो सही मौका आप देते, आप इम्तिहान कराते। आपने इंटरव्यू कराया और लिस्ट में आपने अपने चहेतों को उसमें भर्ती कराया, आम आदमी को उसमें नौकरी मिली, आम आदमी को उसमें मौका नहीं मिला। तो ये जो भाव है विपक्ष का भाव इन्होंने बताया, अभी सीधे सीधे हमारे जो पक्ष के मित्र हैं उनको भी इन्हें संबोधित किया। मैं एक चीज को देख रहा था कि जब विश्व गुरु बनने की बात आती है तो आज हम सब चाहते हैं कि भारत आत्मनिर्भर बने। कौन है यहाँ पे जो ये नहीं चाहता कि भारत आत्मनिर्भर बने? हाथ खड़े करो, कौन कौन चाहता है कि भारत आत्मनिर्भर बने? पर भारत कब आत्मनिर्भर बनेगा साथियों? भारत आत्मनिर्भर तब बनेगा जब हर परिवार को रोजगार मिलेगा, हर हाथ को काम मिलेगा। आज फ्री का अनाज पाकर भारत आत्मनिर्भर ऐसे बनेगा कि ऐसे बनेगा? भारत आत्मनिर्भर बनेगा ताकत के साथ। भारत आत्मनिर्भर ऐसे नहीं बनेगा कि हम सरकार के आगे हाथ फैलाकर खड़े हों। और हम ये चाहते हैं कि किसान का अगर 3000 रुपए का भाव हो तो काय के लिए हो जीतू भाई? ताकि वो आत्मनिर्भर बने और उसकी मुट्ठी बंद हो, उसकी मुट्ठी में ताकत आए और वो आगे बढ़े। कोई भी जो आज बहनों की योजना चल रही है, बहुत अच्छी योजना है। मैंने विधानसभा में जब मैं बोला, आपने वीडियो देखा होगा, मैंने ये कहा कि आपने लाडली बहना योजना लाने के लिए 18 साल क्यों लगाए? इन बहनों ने तो आपको सरकार 18 साल पहले बना के दी थी। आप 18 साल में अगर लेके आए हो योजना तो कम से कम एक साल के लिए तो इस योजना को लागू करो, कम से कम एक साल का पैसा तो बहनों को डालो। आप फरवरी में घोषणा कर रहे हो जब चुनाव के 10 महीने थे, मार्च में आपने फॉर्म भराए बचे 9 महीने, अप्रैल में आपने जांच कराई बचे 8 महीने, मई में आपने KYC कराई बचे 7 महीने, जून में आपने 1 रुपया डाला बचे 6 महीने। अब 6 महीने का पैसा डाल के आप 5 साल की सरकार बनाना चाहते हो तो महाराज ये तो गलत है। इसका हम समर्थन नहीं करेंगे। हम इस बात का समर्थन करेंगे कि जिस दिन सरकार बने उस दिन से 1500 रुपए डले तो 60 महीने तक हमारी बहनों के बीच में पैसा जाए, 60 महीने तक हमारी बहनों को फायदा मिले। अब 450 की टंकी की बात आई, बहुत अच्छा। अब मैं पचोर में खड़ा हूं, मैं तो भाजपा के भाई से भी पूछता हूं
और कांग्रेस के भाई से भी पूछता हूँ और सामान्य नागरिकों से भी पूछता हूँ और मेरे भाई बंधुओं से पूछता हूँ, ईमानदारी से हाथ खड़ा कर दो, किसको 450 में टंकी मिली है? किसी को भी मिली हो 450 में टंकी तो बता दो। अब सावन के आखिरी 3 दिन अब मामा जी को सपना कैसे आएगा कि आज ही हमारी टंकी खत्म होगी? हमारी तो टंकी भरी हुई थी, 3 दिन में खत्म नहीं होगी तो भरा सिलेंडर तो लौटाने जाएंगे नहीं। और अब जब बात आती है 500 रुपए के सिलेंडर की तो 450 में भी कटौती, 450 में भी सिर्फ उनको जिनको उज्ज्वला योजना में कनेक्शन मिला। तो भैया दूसरे महंगाई की मार नहीं झेल रहे क्या? हर चीज में आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो, इस बात का हम विरोध करते हैं साथियों, और इसी बात को हम आपके बीच में रखना चाहते हैं। अभी जीतू भाई ने कहा कि आचार संहिता लग जाएगी, अभी तो उधर ही अनुरोध करेंगे जब तक आचार संहिता नहीं लगेगी। पर जिस दिन आचार संहिता लगेगी साथियों, उस दिन मध्य प्रदेश की कल्याण की जो बातें आपकी जनता के बीच में आएंगी और कमलनाथ जी जो घोषणा करेंगे, वो 5 साल के लिए सरकार मध्य प्रदेश की स्थिति बदलने के लिए, तस्वीर बदलने के लिए। आज बीमारू राज आप कहते थे कि 2003 में बीमारू राज था, उस समय कर्जा कितना था और आज कितना कर्जा है, ये जीतू भाई ने बताया। अब बीमारू कब बनता है संस्था? कोई भी संस्था हो, कोई भी धंधा हो, कोई भी घर हो, कोई भी दुकान हो, हम बोलते हैं कि दिवालिया कब निकलता है? जब पैसा, जब गिरवे रखने के लिए संपत्ति नहीं बच जाए। मेरे भाइयों, गिरवे रखने के लिए भी मध्य प्रदेश में अब संपत्ति सरकार के पास नहीं बची है, ना कर्ज लेने की अब कोई लिमिट बची है। तो ये सारी बातें आपके बीच में आज रखने हम सब आए थे और इसी का आक्रोश हम लोग व्यक्त कर रहे हैं। हम कोई मन की मनगढ़ंत बात आपके बीच में नहीं कर रहे हैं। मुझे मालूम है स्थानीय विधायक पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, आप सब उनको जानते हैं अच्छी तरह, आप सारी बातों को अच्छी तरह से जानते हैं। पर अब पत्रोट क्या चाहता है? बदलाव। और बदलाव की जो ये आंधी आई है, जो सुनामी आई है, इसमें पचोड़ में बदलाव होगा नहीं, राजगढ़ जिले में बदलाव होगा और पूरे मध्य प्रदेश में बदलाव होगा, ये मैं आपसे अनुरोध करना आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो मैं इतने रात को 11:30 बजे आप सब, 1 मिनट भैया, समझ गया मैं सांसद जी का, 11:30 बजे रात को आप सब यहाँ इकट्ठे हुए, इसके लिए मैं फिर से एक बार धन्यवाद। जो पुलिस विभाग के लोग परेशान हुए उनको भी सॉरी, और जो मीडिया के इतने परिवार के लोग यहाँ आए आपको भी साधुवाद, जो मेरे बीजेपी के परिवार के लोग मेरे भाई हैं उनको भी धन्यवाद, और सब परिवार के लोग मिलके सबका एक ही लक्ष्य है, एक ही संकल्प है कि देश को विश्व गुरु बनाना है। तो भैया रोटी पलटो, एक रोटी जल जाएगी एक तरह से भी परेशान। अरे भैया घर जा मुझे मैं बोलो जान दो मार्गदर्शक आदरणीय श्री जीतू पटवारी जी, पूर्व मंत्री हमारे बीच में, जीतू के लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय प्रिय सिंह जी राय साहब पहुंच चुके हैं। आपका दामोदर लहरी मित्र मंडल, सीताराम लहरी मित्र मंडल पजोर हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता है। हमारे बीच में जीतू पटवारी जी, हमारे बीच में जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय चंद्र सिंह सोनिया जी, आपका दामोदर लहरी मित्र मंडल हार्दिक स्वागत।
मैं सुबह भैया सबको धन्यवाद। दो बजे रात को घर गया था, लगभग 3 बजे सोया था और सुबह 5-5:30 बजे वापस उठा हूँ। जब से सुबह से 10 बजे से यात्रा चल रही है। मैं अनुरोध कर रहा था आपका स्वागत सत्कार जो हुआ, ये आप सबकी कृपा मेरे पर ऋण है। इतनी रात को लगभग 12 बजे आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ है, ये मेरे लिए एक न भूलने वाला क्षण है। तो मैं लहरी परिवार को, आप सबको, सीताराम मेरा बचपन का दोस्त है, भैया भी हमारे परिवार के हैं, चंदर भैया हमारे बापू, रघु परमार जी और सारे ब्लॉक अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, हो गया भैया खूब परेशान भैया, रुक जरा। हाँ, खासकर ये आपको खूब ढेर सारी शुभकामनाएं भैया को, सारे परिवार के लोग बिना भोजन किए जाएंगे, सारे ने मेरे को तो उपवास है, तो मेरा अनुरोध ये है, तो मैं सबको साधुवाद धन्यवाद भारत माता की। और ये पक्का समझ लेना, सुनामी आ गई है, कांग्रेस एक अद्भुत जीतेगी इस बार, कोई कसर छोड़ना मत। फिर से एक बार साधुवाद ला माला लिया भैया, सभी वरिष्ठ कांग्रेस जन पदाधिकारी आज हमारे बीच में अपना अमूल्य समय निकालकर पधारे। मैं ब्लॉक कांग्रेस, शहर कांग्रेस, जिला कांग्रेस, सभी कांग्रेस के प्रकोष्ठ एवं लहरी मित्र मंडल की ओर से सभी का आभार धन्यवाद प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय भारत।